हाँ, आपने सही वीडियो पर क्लिक किया है। आज हम जानेंगे एल्युमिनियम बिजनेस लाइसेंस के बारे में। आप अगर एल्युमिनियम शॉप या बिजनेस ओपन करना चाहते हैं और आप ओपन किए हैं तो आपको कौन सा लाइसेंस लेना पड़ेगा, इस वीडियो में पूरा लाइसेंस और उसका डिटेल्स बताऊंगा। एल्युमिनियम शॉप के लिए आपका MSME उद्यम रजिस्ट्रेशन, ISO सर्टिफिकेट, ट्रेड लाइसेंस और लेबर लाइसेंस, ये सभी लाइसेंस लगता है। अब हम जान लेते हैं इन सभी लाइसेंस के डिटेल्स के बारे में। नंबर 1 पर आता है MSME उद्यम रजिस्ट्रेशन। MSME उद्यम रजिस्ट्रेशन एक सेंट्रल गवर्नमेंट इशू हुआ सर्टिफिकेट है। आप अगर सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन लेना चाहते हैं एल्युमिनियम शॉप या बिजनेस ओपन करने के लिए तो आपको ये MSME उद्यम रजिस्ट्रेशन लगता है। आप अगर आपका एल्युमिनियम शॉप के नाम पर बैंक अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो भी ये MSME उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट लगेगा। बैंक से लोन लेना चाहते हैं तो भी ये MSME उद्यम रजिस्ट्रेशन लगता है। MSME उद्यम रजिस्ट्रेशन का जो वैलिडिटी है लाइफ टाइम रहता है, इसमें कोई भी रिन्यूअल करना नहीं पड़ता है। ये सर्टिफिकेट का जो प्राइस है 1000 1000 रुपया लगता है हमारा अप्लाई फीस। नंबर 2 पर आते हैं ISO सर्टिफिकेट के बारे में। ISO सर्टिफिकेट आपको क्वालिटी मैनेजमेंट से मिलता है। आपका जो एल्युमिनियम शॉप या बिजनेस पर जो मटेरियल बेचते हैं वो अच्छा क्वालिटी का है, गुड क्वालिटी का आप बेच रहे हैं बोलकर ये ISO सर्टिफिकेट लगता है। ISO सर्टिफिकेट का जो वैलिडिटी है 3 ईयर, 3 साल का वैलिडिटी रहता है। 3 साल के बाद ये रिन्यूअल करना पड़ता है। 3 साल का जो प्राइस है 3000 3000 रुपया लगता है। नंबर 3 पर आते हैं ट्रेड लाइसेंस के बारे में। ट्रेड लाइसेंस आपका स्टेट गवर्नमेंट इशू हुआ लाइसेंस है। आप अगर आपका एल्युमिनियम शॉप या बिजनेस आपका स्टेट पर ओपन करना चाहते हैं तो ये ट्रेड लाइसेंस लेना पड़ता है। बिना ट्रेड लाइसेंस के आप आपका स्टेट में शॉप या बिजनेस ओपन नहीं कर सकते हैं। ट्रेड लाइसेंस कंपलसरी लाइसेंस होता है आपका स्टेट गवर्नमेंट के लिए और बिजनेस ओपन करने के लिए। ट्रेड लाइसेंस का जो वैलिडिटी है आपका स्टेट वाइज वैलिडिटी रहता है और स्टेट वाइज गवर्नमेंट का प्राइस रहता है। नंबर 4 पर आते हैं लेबर लाइसेंस के बारे में। लेबर लाइसेंस आपको लेबर डिपार्टमेंट से मिलता है। आपका एल्युमिनियम शॉप पर जो लेबर या स्टाफ काम करते हैं उनके लिए ये लेबर लाइसेंस होता है। बिना लेबर लाइसेंस के आप आपका एल्युमिनियम शॉप या बिजनेस पर लेबर नहीं रख सकते हैं। आप अगर लेबर या स्टाफ रखे हैं आपका शॉप या बिजनेस पर तो आपको ये लेबर लाइसेंस लेना पड़ता है। लेबर लाइसेंस का जो वैलिडिटी है आपका स्टेट वाइज वैलिडिटी रहता है और जो प्राइस है स्टेट वाइज प्राइस और लेबर ऑफ नंबर वाइज प्राइस रहता है। अब हम जान लेते हैं इन सभी लाइसेंस के लिए जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है डॉक्यूमेंट्स के बारे में। इन सभी लाइसेंस के लिए जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है, आप जिसके नाम पर ये सर्टिफिकेट या लाइसेंस करना चाहते हैं उनका आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटो,
आपका अगर एल्युमिनियम शॉप आपका खुद का प्रॉपर्टी पर ओपन किए हैं तो प्रॉपर्टी टैक्स बिल, जीपीए, इलेक्ट्रिसिटी बिल, इन तीनों में से जो सभी एक डॉक्यूमेंट्स लगता है। अगर आपका शॉप या बिजनेस रेंट पर दिए हैं तो रेंटल एग्रीमेंट लगेगा। आपको ये सभी लाइसेंस 1 से लेकर 5 दिन के अंदर मिल जाता है। आपको ये सभी लाइसेंस के लिए कौन सा गवर्नमेंट का ऑफिस जाना नहीं पड़ेगा, ये सभी लाइसेंस आपको हम प्रोवाइड करेंगे। जैसे ही आपका सर्टिफिकेट हो जाएगा, आप अप्लाई टाइम पर जो जीमेल आईडी दिए थे वो जीमेल आईडी पर आपका सर्टिफिकेट चला जाएगा, नहीं तो आपका सर्टिफिकेट हम डाउनलोड करके पीडीएफ में आपका व्हाट्सएप पर ओरिजिनल कॉपी सेंड कर देंगे। आपको भी अगर आपका एल्युमिनियम शॉप के लिए लाइसेंस करना है तो स्क्रीन पर दिए नंबर पर कॉन्टैक्ट कीजिए, हमारा टीम आपको बहुत जल्द रेस्पॉन्स करेगा। एल्युमिनियम शॉप लाइसेंस के साथ साथ चिकन मटन शॉप लाइसेंस, क्लॉथिंग बिजनेस लाइसेंस, ग्रोसरी शॉप लाइसेंस, ऑल ओवर इंडिया का ऑल बिजनेस का लाइसेंस हम प्रोवाइड करते हैं। अगर आपको भी वो करना है तो स्क्रीन पर दिए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और हमारे टीम से डिस्कस कर सकते हैं। ऐसे ही बिजनेस लाइसेंस रिगार्डिंग वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारा यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे ही बिजनेस लाइसेंस रिगार्डिंग वीडियो आपका यूट्यूब पर जल्द ही पहुंचाएंगे। थैंक यू।